हलीम जल गया है। हाय, हलीम जल गया। एनएक्सी का एडवांस चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा? एनएक्सी का एडवांस चाहिए। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? बड़ों को भी थोड़ा अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। इतना घूर घूर के नहीं देखते। एडवांस कब तक मिल जाएगा? मुफ्ता खोरी कोई नहीं होनी चाहिए। एडवांस मुझे आज ही चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, आनी को चाहिए। फूल हटाओ यार। देख लूंगी। सब ठीक है? हाँ, सब तैयार है ना? हाँ, भूख लग रही होगी, जल्दी से खाना लगाओ। बोलिया, जल्दी से आ। अबे फिकर है, कुकू बच्चा एक मिनट में लगा देगा। ये लीजिए, आपके लिए खास तौर पे बनाया है मैंने। जहे नसीब, जहे नसीब। आप शुरू कीजिए ना। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। पसंदीदा गजा है हमारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भेजा फ्राई आपकी फेवरेट डिश होगी। कुछ कहा आपने? मुझे बस ये पूछना था कि किस चीज की आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं? कोई एक हो तो बताऊं। नैना जी, ये स्वीट डिश दीजिएगा। नहीं, नहीं 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 नहीं, स्वीट डिश बाद में। पहले आप खाना खाइए, पेट भर के खाना खाइए। क्या हुआ, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? जी जी, माशाल्लाह, लगता है बहुत बहुत दिल से बनाया है आपने। वो तो तभी पता चलेगा जब आप सारा खाना खत्म करेंगे। खाना पीना तो चलता रहेगा। मैं ये सोच रही थी कि आप रेंट के पैसे दे दें। और आनी, आप इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगी? मेरे पास शॉपिंग के पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे शॉपिंग पे भी तो जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अब आपको शॉपिंग पे जाना है तो अब आप मेरा कार्ड रख लीजिए और बिल खोल के शॉपिंग कीजिएगा। लेकिन आप मुझे कार्ड क्यों दे रहे हैं? पैसे दे दें, कैश। अब वैसे आजकल कैश कौन रखता है नैना जी? हाँ, जल्दी से पासवर्ड बताएं इसका। क्या कर रही हो? दो ये कार्ड वापस करो। मैं कह रही हूँ ये कार्ड वापस करो। ये आप रखिए प्लीज। रेंट तो आता रहेगा, इसको पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई है। कुछ और ट्राई कर लेते। नैना जी, आपने नाराज कर दिया बेबी को। अरे छोड़े, पागल है ये बिल्कुल। हर वक्त इसका कोई ना कोई स्यापा चलता रहता है। आप खाना खाइए। इस बुड्ढे से तो मैं खुद निकलवाऊंगी पैसे। आनी को तो मोहब्बत का बुखार चढ़ गया है। मनोज बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? ये रहा। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहां गया ये बुड्ढा? बहुत ही खबीस है विक्रम। फिर फेल हो गया तेरा ऑडिशन? बे यार, अपने अपनों को चांस देता है, मैं तो पूछता ही नहीं है। पैसे भी खत्म होने वाले, मैं तो कह रहा हूँ वापस चलते नहीं। छोड़ छोड़ बेबी, छोड़ फरी, किस्मत खुद चल के आएगी तेरे भाई के पास। कहाँ है वो? कहाँ है वो अहमद कमाल दिलबर? निकालो उसको। वो कहाँ है दिलबर चाचा? वो तो चले गए, चले गए वो। चले गए? दो मिनट में चले गए? अभी तो मैंने यहाँ पर आते हुए देखा है उनको। मैं ढूंढ के रहूंगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम? मेरी प्रॉब्लम तुम्हारे चाचा है।
तुम्हारे चाचा ने मेरी आनी के साथ जो मैंने प्यार किया मूवी शुरू कर रखी है ना, मैं उनका हशर नशर कर दूंगी। कभी प्यार किया है आपने? मोहब्बत नहीं, इश्क तो किया ही होगा। मेरा दिमाग खराब है। लो कर लो बात। तो फिर कैसे समझेंगी आप मेरे चचा जान और अपनी आनी की फीलिंग्स को? सुनो मिस्टर, डोंट टच मी। ओके ओके, लेकिन शहाबुद्दीन शोभी नाम है मेरा। तुम शोभी हो के धोबी, तुम हो इस घर के किराएदारी, और ना तुम इस घर पे कब्जा कर सकते हो और ना ही किसी के दिल पर। और एक और अहम बात, इस महीने का किराया। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें करती हैं आप दुआ जी? चाचा जान बात कर चुके हैं नैना जी से। मतलब क्यों इतनी टेंशन लेती हैं आप, इतना स्ट्रेस लेती हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कब बात कब हुई? हो गई थी। हाँ बात हो गई है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा। काम डाउन दुआ। I can't calm down. इसका तो शटअप कहना भी दिल में घंटियां बजा देता है। छोटी छोटी बोटियां करके ना चील का पुंग खिला देगी है। नहीं तेली नहीं होने दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं अहमद कमाल? मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। प्लीज आप बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा सुने, आप हैदराबाद जा रहे हैं, प्लीज रैश ड्राइविंग नहीं कीजिएगा, तेज गाड़ी मत चलाइएगा, मुझे बहुत फोबिया है। प्रॉमिस करें मुझसे। आप बेफिक्र होके जाइए, आई विल टेक केयर ऑफ देम। मैं खुद अभी निहारी देकर आती हूँ दोनों को। खुदा हाफिज़। अब हम नदीदों के लिए हमारे घर से फूड डिलीवरी भी होगी। क्या हो गया तुम्हें, इतना बड़ा दिल है उनका। अब देखो ना, जैसे ऐसे करके एटीएम कार्ड निकाल के दे दिया, पासवर्ड भी बता दिया। कोई करता है ऐसे? मुझे तो लग रहा था कि उनकी जान ही निकल जाएगी। अरे मैं निहारी देकर आती हूँ। आप कहीं नहीं जा रही हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे भूखे बैठे हैं ना, वो भूखों का खाना खिलाना सवाब का काम है। भूखे? अरे क्या हो गया तुम्हें, बेचारे भूखे बैठे हैं, खाना देने दो। बेचारे? हाँ अरे छोड़ो, मुझे जाने दो। आनी कब आएगी निहारी? कटाकट भी मंगवा लेता यार। यार तुझे यहाँ खाने की पड़ी हुई है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं दुआ को कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और ऊपर से ये मुसीबत। नैना अहमद कमाल ने आपके लिए निहारी भिजवाई है। अहमद कमाल ने? वो तो चले नहीं गए हैदराबाद। हैदराबाद गए हैं, दिलो दिमाग से तो नहीं गए, आ जाएंगे वापस। वो सिर्फ निहारी, नान नहीं लाई? ओ हाँ नहीं नहीं, नान है, मैं अभी भिजवाती हूँ गुगु के हाथ। अच्छा अहमद कमाल को फोन किया था मैंने बताने के लिए कि निहारी डिलीवर हो गई है, लेकिन उनका तो फोन ही बंद है। अभी खुल जाएगा। मेरा मतलब वो सिग्नल नहीं आ रहे होंगे ना, रस्ते में होंगे। एग्जैक्टली exactly, मैंने भी यही सोचा था। नान भिजवाती हूँ अभी। हाँ थैंक यू। अबे ठक्कन, जब उसे हकीकत पता चलेगी ना, तेरा पेट फाड़ कर ये निहारी निकलवाएगी। यार जब की जब देखेंगे, अभी तो निहारी एंजॉय करने दे। यार नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। चल शाबाश, पैकिंग कर, चल घर चलते हैं। क्यों इमोशनल हो रहा है, निहारी तो हलाल करने दे। खुद ही तो कहता है शहाब को इजी ना लिया कर। नहीं ले रहे ना यार, तो रुक जा भी, एक मिनट सब्र कर। सब यार तू नहीं अरे बात कर ले और बता दे निहारी मिल गई है, बाद में देखेंगे ना यार। अभी प्लीज प्यारा भाई बहुत भूख लग रही है, अभी देख मैं रोटियां देख कर आता हूँ। प्लीज रहने दीजिए ना, अच्छे लगते हैं।